देश में कोरोना वायरस की रफ्तार हुई बेकाबू। बीते 24 घंटे में 1,59,632 मामले आए सामने, 327 संक्रमितों की हुई मौत। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 3,623 मामले मिले। 151 करोड़ लोगों को दी गई कोरोना की वैक्सीन। बीजेपी सांसद वरुण गांधी हुए कोरोना संक्रमित। वरुण गांधी ने ट्वीट कर दी जानकारी। चुनाव आयोग से उम्मीदवारों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को एहतियाती खुराक देने की मांग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना पर आज करेंगे समीक्षा बैठक। शाम 4:30 बजे करेंगे समीक्षा बैठक। गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया होंगे शामिल। बैठक में ICMR के अधिकारी भी रहेंगे मौजूद। चुनाव आयोग ने शनिवार को 5 राज्यों में चुनावों की तारीखों का किया ऐलान। 7 चरणों में होंगे 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव। 10 फरवरी से 7 मार्च तक होगी वोटिंग। 10 मार्च को आएंगे सभी 5 राज्यों के नतीजे। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनावी राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू। 15 जनवरी तक चुनाव आयोग ने रैली, रोड शो, पदयात्रा, बाइक रैली पर लगाई रोक। चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद सीएम योगी ने किया बड़ा दावा। कहा 10 मार्च को यूपी में बीजेपी फिर बनाएगी सरकार। भारत निर्वाचन आयोग ने देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा की है। 10 मार्च 2022 को जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हाँ, कोरोना महामारी के दौरान सतर्कता और सावधानी हम जरूर रखें। यूपी चुनाव के ऐलान के बाद अखिलेश यादव का बड़ा बयान। कहा जनता ने मन बना लिया, 10 मार्च को होगा बीजेपी का सफाया। निश्चित ही उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की विदाई होनी है। 10 मार्च तक जनता को मौका मिला है फैसला लेने का, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के किसानों को दुखी किया, गरीब जनता को दुखी किया, अन्याय की सभी सीमा लांघ गए, नौजवानों को बड़े पैमाने पर बेरोजगारी में छोड़ दिया, किसान के हित के लिए कोई फैसला नहीं लिया, इसलिए 10 मार्च के बाद उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का साफ होना तय है। इन्हीं तारीखों के लिए जनता इंतजार कर रही थी, किसान इंतजार कर रहा था, व्यापारी इंतजार कर रहा था, नौजवान इंतजार कर रहा था। 10 मार्च के बाद उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब के थूक कांड मामले ने पकड़ा तूल। करनी सेना ने इंदौर में जावेद हबीब के सैलून पर किया प्रदर्शन। फ्रेंचाइजी सैलून के मालिक ने प्रदर्शन से पहले ही बदला दुकान का नाम। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक मामले को लेकर सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने दी सफाई। कहा प्रधानमंत्री को कोई खतरा नहीं था। पीएम को यहाँ कोई खतरा नहीं था, ना ही हुआ है, ना ही कभी होगा, और वो बिल्कुल सेफ थे। उनकी सिक्योरिटी चारों तरफ थी, कोई उनके नज़दीक नहीं गया, कोई दूर से कंकर नहीं फेंका, कोई नज़दीक 1 किलोमीटर तक उनके सामने नहीं आया, तो इसमें क्या है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि प्रियंका गांधी जी से बात हुई थी, जो भी यहाँ बात हुई मैं उनको बता दी थी। आज तो मैं कहते कहते भी थक गया हूँ कि क्या सिक्योरिटी थ्रेट हुआ था। प्रधानमंत्री जी, मैं महामृत्युंजय का पाठ करवा देता हूँ अगर बीमारी है कोई। अरे क्या बात कर रहे हो आप, कहाँ थ्रेट था। 1 किलोमीटर तक कोई प्रदर्शनकारी नहीं था प्रधानमंत्री के पास। जहाँ प्रधानमंत्री जी आते हैं 6,000 सिक्योरिटी पर्सनल उनका आ जाता है। IB है, SPG है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है हमारा, उसके प्रधानमंत्री हैं, क्या खतरा हो सकता है उनको। दिल्ली NCR के कई हिस्सों में भारी बारिश, हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन। मौसम विभाग के मुताबिक हल्की बारिश या बूंदाबांदी के साथ पूरी दिल्ली के और आसपास के इलाकों में छाए रहेंगे बादल। न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना। इसी के साथ इस वक्त की टॉप 10 खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।